हाँ मैम आप मैम परसों बोल यस्टरडे मैम आप बोली थी कि हम नोट्स ग्रुप में सेंड कर देंगे ये वर्ल्ड कार्ड का। हाँ हम नहीं सेंड कर पाए थे, आज हम कर देंगे। एक्चुअली तो तबियत ठीक नहीं था, उस कारण से हम सेंड नहीं कर पाए थे मैम आपको आज। इस नए के लिए लेना है। हाँ आज हम आज दोनों काम सेंड कर देंगे, ये वाला भी और वो वाला भी। ठीक है ये सब सेंड कर दीजिएगा। ये एडिट कमांड के बारे में पहले भी पिछले क्लास में नहीं, जो हम लोग का क्लास चल रहा था कॉलेज में, उसमें भी हम बताए थे एडिट कमांड के बारे में। एक्चुअली इंटरनल कमांड से बता रहे थे उसी टाइम पे बताए थे, लेकिन ये मेरा एक्सटर्नल कमांड कह के ही बताए थे। एक्सटर्नल कमांड ये मेरा, इसका यूज हम लोग बेसिकली करते हैं किस लिए कि जैसे कि अगर हमने कोई फाइल क्रिएट किया है और उस फाइल में हमें कुछ और भी मॉडिफिकेशन करना है, मीन्स कि अगर और भी डेटा हमें उस फाइल में ऐड करने हैं, तो हम किस कमांड को यूज कर सकते हैं। उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, एडिट कमांड को यूज कर सकते हैं। एडिट कमांड को यूज करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली प्रॉम्प्ट पे लिखेंगे एडिट, देन स्पेस, उसके बाद जिस भी फाइल को हमें एडिट करना है। मान लीजिए कि मेरा कोई एक फाइल है एक्स वाई जेड के नाम से, ठीक है, एक्स वाई जेड डॉट टी एक्स टी के नाम से एक मेरा फाइल है, और इस फाइल में मुझे कुछ मॉडिफिकेशन करना है, यानी कुछ कोई डेटा और ऐड करने हैं। तो उस केस में हमें क्या करना होगा कि पहले इसको एडिट करके हम ओपन करेंगे, देन उसमें जो भी डेटा हमें ऐड करने हैं उन डेटा को ऐड करेंगे, देन हम क्या करेंगे उसे सेव करेंगे। ठीक है, तो ये सिंटेक्स मेरा हो गया एडिट, देन फाइल नेम।
दिस कमांड इज यूज्ड टू मॉडिफाई और चेंज द डेटा ऑफ अ फाइल. ओके, इसका ये सिंटैक्स है और ये एग्जांपल है. इसको भी हम रन करा के भी दिखा देते हैं. यहाँ पर देखिए एक xyz.txt के नाम से मेरा फाइल बना हुआ है. इस फाइल को ही हम ओपन करके और एडिट करते हैं. पहले इसको हम ओपन करके एक बार पहले इसको चेक कर लेते हैं प्रॉम्प्ट पे ही, यानी कमांड प्रॉम्प्ट पे ही, कि इसमें मेरा कोई डेटा पहले से रखा हुआ है या नहीं है. तो उसके लिए एक हम इंटरनल कमांड बताए थे, टाइप कमांड. टाइप कमांड क्या करता है कि जितने भी मेरे फाइल के अंदर जितने भी कंटेंट्स हैं उन सारे कंटेंट्स को वो क्या कराता है, हमें शो कराता है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि टाइप कमांड यूज करेंगे, typee टाइप स्पेस. किस फाइल को हमें ओपन करना है, xyz.txt को. ओके, देन एंटर. तो यहाँ पर अभी देखिए कोई भी डेटा दिखाया नहीं. क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि इस फाइल में कोई डेटा था ही नहीं, मीन्स की किसी भी तरीके का कोई कंटेंट इसके अंदर में लिखा हुआ ही नहीं था. ठीक है, अभी और एक और हम दूसरा फाइल ओपन करके देख लेते हैं टाइप कमांड के थ्रू उसमें है या नहीं. एक मेरा सिर्फ xyz के नाम से बना हुआ txt फाइल नहीं है, नॉर्मल फाइल है, इसको हम ओपन करके देखते हैं. तो देखिए यहाँ पे टाइप xyz की है, तो xyz और xyz.txt यहाँ पे दो फाइल्स बने हुए हैं. यहाँ पे पहले से भी यहाँ साइज देखिए इसका 0 byte दिखा रहा है. क्यों, क्योंकि ये जो फाइल मेरा बना हुआ है xyz के नाम से, इसमें कोई भी डेटा नहीं है. इस कारण से ये क्या कर रहा है, 0 byte दिखा रहा है. और जब इसको हम चेक किए थे तब भी यहाँ पे टाइप कमांड के थ्रू यहाँ पे कोई भी कंटेंट हमें नहीं विजिबल हुआ था. ठीक है, अभी हम दोबारा चेक किए दूसरे फाइल को. तो यहाँ पे देखिए टाइप कमांड हम यूज किए, तो टाइप कमांड से इसने क्या किया कि यहाँ पे शो करा दिया हमें जो भी कंटेंट इसके अंदर में लिखा हुआ था उसको. तो अभी हम क्या करते हैं कि एडिट करते हैं हम किस फाइल को, edit.xyz.txt को. ठीक है, ये जो मेरा फाइल है .txt, इसको अभी हम ओपन करते हैं और इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे. ठीक है, जैसे ही हम एडिट कमांड चलाते हैं तो हमारा एक ये ब्लू कलर का स्क्रीन खुलता है. ठीक है, ये मेरा एडिटर स्क्रीन है. इस स्क्रीन पे हम जो भी कंटेंट डालना चाहेंगे वो हम डाल देते हैं. ठीक है, हेलो वेलकम टू द क्रॉस क्लास. ठीक है, हमने ये कंटेंट यहाँ पे लिख दिया. अब क्या करेंगे, इसे हम सेव करेंगे. सेव करने के लिए हम फाइल मेन्यू में जाएंगे. यहाँ पर देखिए ये फाइल मेन्यू है. फाइल मेन्यू के बाद हम जाएंगे सेव में. सेव, देन सेव. सेव एज भी हम कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं. पहले भी हम सेव करते हैं सेव. ओके, देन एग्जिट. ठीक है, अब हम एडिट, अब हम टाइप कमांड यूज करते हैं. type space xyz.txt. ओके, एंटर. अब देखिए अब यहाँ पे दिखा रहा है ना, हेलो वेलकम टू द डॉस क्लास. पहले xyz में कुछ नहीं था, ब्लैंक था वो. अभी हमने क्या किया कि यहाँ पे कंटेंट डाला, तो ये कंटेंट हमें यहाँ विजिबल हो गया. अब हम dir कमांड को यूज करके देखेंगे तो अब ये 0 byte का नहीं दिखाएगा. अब इसमें कुछ पैलेबल बाइट्स यहाँ पे दिखाएंगे कि यहाँ पे बाइट्स क्या कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं. देखिए अब यहाँ पे क्या हो गया, 34 बाइट का ये हमारा जो xyz.txt नाम का जो फाइल था, अब उसका साइज क्या हो गया है, 34 बाइट्स. यानी कि कुछ डेटाज हमने क्या किया है कि उस फाइल में ये डाल दिया है. ठीक है, तो यहाँ पे भी हम दो कमांड्स के बारे में बताए, टाइप कमांड एंड एडिट कमांड. टाइप कमांड हम पहले ही बता चुके थे, ये हमारा क्या है, एक इंटरनल कमांड है जो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है कि जितने भी हमारे पास फाइल्स हैं उन फाइल्स के कंटेंट को शो कराता है. यानी कि हमें देखना होता है कि हमारे फाइल में क्या क्या कंटेंट लिखे हुए हैं
उन सारे कंटेंट को शो कराने के लिए हम लोग टाइप कमांड्स का यूज करते हैं। ठीक है, आज हम लोग देखे एडिट कमांड। एडिट कमांड क्या करता है? एडिट कमांड हमारे एग्जिस्टिंग जो भी हमारा फाइल है उस फाइल में किसी भी तरीके का अगर हम मॉडिफिकेशन हमें करना है तो थ्रू द एडिट कमांड हम क्या कर सकते हैं कि उसका यूज कर सकते हैं। और एडिट कमांड जो मेरा क्या है वो हमारा एक एक्सटर्नल कमांड है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कॉपी के लिए एक कमांड लिखेंगे जिसका नाम क्या है, एक्स कॉपी। इसके पहले हम लोग एक कमांड देखे थे कॉपी कमांड। कॉपी कमांड हमारा एक इंटरनल कमांड था जो कि सिर्फ और सिर्फ हम यूज करते थे कॉपी करने के लिए। किस चीज को कॉपी करता था? वो सिर्फ और सिर्फ फाइल्स को वो कॉपी करता था। ठीक है, जब हम कॉपी कमांड बता रहे थे तो उस समय मुझे किसने पूछा भी था कि अगर हमें डायरेक्टरीज को अगर कॉपी करना हो तो हम उसे कैसे करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्टरीज के ऊपर जितने भी वर्क होते हैं ना वो थ्रू द एक्सटर्नल कमांड ही होते हैं। ओके, तो अगर हमें डायरेक्टरी कॉपी करना है तो एक्स कॉपी कमांड को हम लोग यूज कर सकते हैं। This command is used to copy files and directories. Trees from one files to this command is used to copy file and directory from syntax. Let's copy. Thank you.
copy engine space engine two. ठीक है, तो x copy command क्या करता है, x copy command use हो करते हैं हम लोग किस लिए, जब हमें किसी भी files और directories को हमें copy करना होता है. ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए कि अभी हम यहाँ क्या कर सकते हैं कि files को भी copy कर रहे हैं और directories को भी copy कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा सिर्फ copy command था, सिर्फ copy, copy command क्या करता था कि वो सिर्फ और सिर्फ files को ही copy करवाता था, means कि जितने भी files अगर हमारे पास available है तो उन सारे files को copy करने के लिए अगर हमें use करना होता था तो उस केस में हम कॉपी कमांड को यूज करते थे. बट एक्स कॉपी कमांड क्या करता है कि एक्स कॉपी कमांड हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम एट अ टाइम मल्टीपल फाइल्स को कॉपी कर सकते हैं. ये पावरफुल होता है किससे, कंपैरिजन देन कॉपी कमांड. ये पावरफुल होता है इसलिए कि अगर हम एक्स कॉपी कमांड को अगर हम यूज कर रहे हैं तो उस केस में ये क्या करता है कि अगर हमने सिर्फ एक्स कॉपी कमांड यूज किया और किसी डायरेक्टरी का नाम हमने दे दिया, जैसे कि अभी अभी करके दिखाएंगे, जैसे हम यहाँ पे दो हमारा ये डायरेक्टरी है, एक एमजीएम और एक एमजीएम टू, ये दोनों हमारा डायरेक्टरी है. ठीक है, यहाँ डायरेक्टरी source directory and destination ठीक है, तो ये क्या करता है कि जितने भी पॉसिबल फाइल्स हमारे एमजीएम में होंगे वो सारे फाइल्स को कॉपी कहाँ पे कर देगा, हमारे एमजीएम टू के अंदर में. अभी ये हम लोग करके देखेंगे कि किस तरीके से ये वर्क करता है. तो जैसे ही हम कॉपी कमांड चलाएंगे तो चलाने के बाद एक ये इस तरीके का कुछ मैसेज देगा, जैसे ही हम कॉपी कमांड को रन कराएंगे तो ये एक मैसेज देगा, ये डस टीएसटी स्पेसिफाई अ फाइल नेम और डायरेक्टरी नेम ऑन द टारगेट. ठीक है, तो यहाँ पर ये आपसे पूछेगा कि जो भी आप यहाँ पे ये दे रहे हैं डायरेक्टरी और फाइल्स, इसको कॉपी करना है या फिर आपने किसके नाम को आपने यहाँ दिया है. ठीक है, तो वो वहां से आपसे ऑप्शन मांगेगा, देन वो अपने वर्क को वो आगे बढ़ाएगा. जब तक वहां से उसको परमिशन आप नहीं दीजिएगा तो अपने वर्क को आगे नहीं बढ़ा पाएगा. यहाँ पे कुछ स्विचेस दिए गए हैं जिसमें जिसका यूज हम लोग करते हैं एक्स कॉपी कमांड के साथ में. स्लैश ए क्या करता है, कॉपीज ओनली फाइल्स दैट हैव बीन सेट अ आर्काइव फाइल. ठीक है, यानी कि स्लैश ए अगर हम यूज करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ये उन फाइल्स को यूज करता है कॉपी करने में, सॉरी हेल्प करता है कॉपी करने में जिसको हमने सेट करके रखते हैं अर्काइव फाइल्स के नाम से. अर्काइव फाइल्स क्या होता है, सिंपल हम क्या जानते हैं कि अर्काइव फाइल्स हमारे फोन के इनबॉक्स में भी रहते हैं, हमारे मेल्स में भी रहते हैं. अर्काइव कहने का क्या मतलब कि अगर हम उसे अर्काइव कर लेते हैं यानी कि अचीव करवा देते हैं तो उस केस में ये क्या करता है कि उस फाइल को वो एक सेपरेट फोल्डर में सेव कर दे रहे हैं, यानी कि हमारे इनबॉक्स से हटा करके उसको एक नए फोल्डर में हमारा वो सेव करा देता है वहां पे, और वो सेपरेट वहां पे रहता है. अगर कुछ सेटिंग्स अगर हमें वहां करना है तो उस लोकेशन पे जाके करना होता है. ठीक है, तो सेम केस यहाँ भी हो रहा है. ओके, नेक्स्ट है आपका स्लैश डी स्टैंड फॉर डेट. Copies only those file in source directory that have been changed on a later letter than the specified date. ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ उन files को copy करेगा. ठीक है, उन files को source directory से copy करेगा जिसका हम specific date दे देंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ उस file को copy करके लाए जो कि हमारा इस date पे हमने उसको modify किया है. ठीक है, अभी इन सारे का हम एग्जांपल आगे देखेंगे, बस आप लोग पहले इसको देख लीजिए. नेक्स्ट है आपका स्लैश एस, कॉपीज ऑल फाइल्स इन द करेंट डायरेक्टरी एंड इन एनी सब डायरेक्टरीज विद इन इट. स्लैश एस अगर हम स्विच एस अगर यूज करते हैं तो ये क्या करता है, कॉपी ऑल फाइल्स इन करेंट डायरेक्टरी एंड एनी सब डायरेक्टरी विद इन इट, यानी कि उन सारे फाइल्स को ये कॉपी करेगा जिस करेंट डायरेक्टरी से हम लोग कॉपी कर रहे हैं उस डायरेक्टरीज का तो करेगा ही,
और साथ ही साथ उसके अंदर में जितने भी सब डायरेक्टरीज हैं, उन सब डायरेक्टरीज के अंदर भी जितने फाइल्स हैं, उन सारे फाइल्स को क्या करेगा कि ये कॉपी करके और हमें शो कराएगा। नेक्स्ट है आपका स्लैश। मैम आवाज रिपीट हो रही है। हाँ अब हो रहा है। नो मैम आप ठीक है। ओके नेक्स्ट है आपका स्लैश ई। स्लैश ई क्या करता है? स्लैश ई कॉपीज सब डायरेक्टरीज इवन इफ दे आर एम्प्टी। If you use the option, you must use the slash s option. ये भी सारा एक sorry, ये सारे examples को हम करके देखते हैं तो हमें पता चलेगा। एक काम, एक मिनट आप लोग रुक जाइएगा, पहले हम सारे का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। आप लोग को शेयर करना था ना, क्लास ऊपर हो जाएगा तो नहीं हो पाएगा। कॉपी कमांड में एग्जांपल देख लेते हैं। एक्स कॉपी कमांड पहले हम देख लेते हैं कि हमारा डायरेक्टरीज बना हुआ है या नहीं है। कि यहाँ पे MGM और MGM2 के नाम से मेरा डायरेक्टरी बना हुआ है। तो पहला काम हम क्या करते हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी हमारे MGM के अंदर में फाइल है, पहले हम चेक कर लेते हैं कि MGM में मेरा क्या क्या फाइल है। DIR ठीक है, तो इसमें हमारा दो डायरेक्टरी बना हुआ है, इसमें दो डायरेक्टरी एग्जिट कर रहा सॉरी एडजस्ट कर रहा है एंड थ्री फाइल्स हैं। ओके अब हम क्या करते हैं कि इसको हम एक्स कॉपी कमांड के थ्रू MGM2 में इसको कॉपी करवा देते हैं। ठीक ओके तो MGM2 में नहीं, MGM2 में पहले से कॉपी है, तो एक और नया यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं डायरेक्टरी MGM4 के नाम से। ओके
अब हम क्या करते हैं, एक्स कॉपी स्पेस एम जी एम, यानी कि एम जी एम के जितने भी फाइल्स हैं उन सारे फाइल, सॉरी एम जी एम डायरेक्टरी के जितने भी फाइल्स हैं उन सारे फाइल्स को हमें कहाँ कॉपी करना है, उसको हमें कॉपी करना है एम जी एम फोर के अंदर में, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ अगर हमें फाइल्स कॉपी करना है तो हम किसी भी स्विच को यूज नहीं करेंगे, सिंपल हम क्या करेंगे इसको कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिखा रहा है कि थ्री फाइल्स कॉपीज, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि नहीं, जितने भी फाइल्स विद डायरेक्टरीज हैं सारे को हमें कॉपी करना है। तो वहां पे हमने दो स्विच अभी देखा था, स्लैश ई एंड स्लैश एस, ठीक है, दोनों को हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है ओवरराइट करने को, क्यों पूछ रहा है, क्योंकि अभी तो हमने सेम फाइल के लोकेशन से कॉपी किया, अभी हम सेम को कॉपी करेंगे तो पूछेगा ना कि हमें उसे एग्जिट मीन्स की ओवरराइट करना है या नहीं, करना है, ठीक है। तीनों फाइल को हमने ओवरराइट कर दिया, तो अभी यहाँ पर देखिए टोटल कितना दिखा रहा है, फोर दिखा रहा है, यानी कि अब हमारे पास, अभी हम चेक कर लेते हैं, सी डी स्पेस एम जी एम फोर इंटर डी आई आर इंटर, ठीक है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर एम जी एम फोर जो हमारा है, एम जी एम फोर में टोटल हमने क्या किया है कि थ्री फाइल्स एंड थ्री फाइल्स और कितने हमारे ये कॉपी हुए हैं, दो डायरेक्टरीज, ठीक है, सारे के सारे कॉपी होकर के कहाँ आ गए मेरा एम जी एम फोर के अंदर में, जो पहले कहाँ पर थे, पहले हमारे तो थे वहां पे एम जी एम के अंदर में, अब जब हमने एक्स कॉपी कमांड के थ्रू हमने कॉपी किया है इसे, तो ये सारे कहाँ पे आ गए, सारे हमारे आ गए आपके एम जी एम फोर के अंदर में। अभी जब हम इसका डेफिनेशन लिखे थे तो उसमें हमने लिखा था ना कि ये सारे फाइल्स को कॉपी करता है और डायरेक्टरी ट्री को भी कॉपी करता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि डायरेक्टरी ट्री हमें ये दिखा रहा है, ये देखिए ये कॉपी करके क्या आया है, एम जी एम के अंदर में आपका ये कुछ फाइल है, ट्रिपल जेड एम डी के नाम से एक फाइल बना हुआ है, देन एम जी एम के अंदर में बी सी ए नाम का एक डायरेक्टरी बना हुआ है, और डायरेक्ट बी सी ए डायरेक्टरी के अंदर में एक बुक नाम का डायरेक्टरी है, और उसके अंदर में एक कंप्यूटर नाम का फाइल क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर दिखा रहा है कि मीन्स कि हम किसी भी अगर एक्स कॉपी कमांड को अगर यूज करते हैं तो किसी भी डायरेक्टरी लोकेशन से हम किसी भी फाइल्स को, फाइल्स के ट्री को, यानी कि जो भी हमारा डायरेक्टरी का ट्री है उस ट्री को भी हम क्या कर सकते हैं कि कॉपी करके ला सकते हैं, ओके। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, हम यहाँ पर ना ये भी कर सकते हैं कि अगर एक्स कॉपी कमांड को अगर हम यूज कर रहे हैं तो एक्स कॉपी कमांड के यूज के साथ हम पूरे के पूरे ड्राइव को भी कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि सी ड्राइव में चले जाते हैं, क्योंकि डी ड्राइव में मेरा बहुत ही कम डेटा है तो उसको आसानी से हम कॉपी कर सकते हैं, इसलिए हम सी में चले गए, सी के रूट में आ जाते हैं, हम रूट में आ गए और यहाँ पर एक फोल्डर बना लेते हैं एमडी कमांड से, किस नाम से फोल्डर बना ले, मान लीजिए क्लास नाम से एक फोल्डर बना लेते हैं, ओके इंटर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि अब हम एक्स कॉपी कमांड को यूज करते हैं, एक्स कॉपी कमांड, अब हमें क्या करना है कि सी ड्राइव के अंदर में एक हमने जो फोल्डर बनाया यानी कि डायरेक्टरीज बनाया है क्लास नाम से, उस क्लास के अंदर में डी ड्राइव के इनर में जितने भी पॉसिबल डायरेक्टरीज और फाइल्स हैं उन सारे फाइल्स को हमें कॉपी करके कहाँ पे रखना है, सी ड्राइव की क्लास डायरेक्टरीज के अंदर, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि हमें करना क्या है, तो हमें क्या करना है एक्स कॉपी कमांड के साथ, पहले हम क्या यहाँ पर देंगे, पहले यहाँ पे हम सोर्स एड्रेस देंगे, ठीक है। तो सोर्स एड्रेस हमारा क्या है, सोर्स एड्रेस है हमारा क्लास, ओके। देन डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन मेरा क्या है, डी डी ड्राइव, ओके। जितने भी पॉसिबल फाइल्स एंड डायरेक्टरीज है सबको कॉपी करना है तो उसके लिए हम स्लैश ई स्पेस स्लैश एस, इन दो स्विच को हम यूज करेंगे,
ओके देन इंटर. सॉरी क्या प्रॉब्लम हो गया मैम? सोर्स की जगह डेस्टिनेशन हो गया, डेस्टिनेशन की जगह सोर्स हो गया. डी से कॉपी करना था क्लास में, क्लास से डी में कॉपी हो गया. डी डी से कॉपी करना था. सोर्स मेरा क्या है? सोर्स मेरा डी है और डेस्टिनेशन मेरा कौन सा है? क्लास. इसी में कॉपी भी नहीं हुआ. ठीक है ना? अब ठीक है. ठीक है, टोटल 21 फाइल्स हमारे कॉपी हो गए. कहाँ पे? क्लास फोल्डर के अंदर में ये जाके कॉपी हुआ. अब हम क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं क्लास फोल्डर के अंदर जाके, सॉरी डायरेक्टरी के अंदर जाके, सीडी स्पेस क्लास. ओके इंटर. अब यहाँ पे हम डीआईआर कमांड यूज कर लेते हैं. यहाँ पे टोटल देखिए, जितने भी हमारे डी ड्राइव के अंदर में जितने भी डायरेक्टरीज और फाइल्स बने हुए थे वो सारे आपके यहाँ पर सो रहे हैं. हो गया ना? तो एक्स कॉपी कमांड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे डॉस में इसलिए है कि मान लीजिए कि मल्टीपल फाइल्स को अगर हमें कॉपी करना है या डायरेक्टरीज को कॉपी करना है या किसी डायरेक्टरी ट्री को कॉपी करना है तो उस केस में हम एक्स कॉपी कमांड को यूज कर सकते हैं. ये बहुत ही सिंपल कमांड है. बस ध्यान में ये रखना है कि इन सारे जो भी इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शंस कहने का मतलब जितने भी स्विचेस दिए गए हैं, स्विचेस को कैसे किस तरीके से हमें यूज करना है. ठीक है, एक और स्विच था इसमें हमारा, चेक करते हैं क्या, स्लैश डी. ठीक है, उसको हम लोग उसको भी यूज करके देखते हैं वो कैसे काम करते हैं. कॉपी स्पेस स्लैश डी. कॉपी क्या करें? यहाँ पे हमें डेट डालना है. आज कितना तारीख है? 22. देखिए अब ये मैसेज पूछ रहा है ना ओवरराइट करने के लिए बोल रहा है. क्यों? क्योंकि आज के डेट में ही हमने वहां से इसको कॉपी किया था दूसरे फाइल को, तो इसलिए ये पूछ रहा है. यस यस. एक्चुअली और कोई फाइल बना हुआ है नहीं इस ड्राइव में, सारा फाइल आज ही का क्रिएटेड है, इसलिए ये ओवरराइट करने के लिए बोल रहा है. एक काम करते हैं, डेट हम चेंज कर देते हैं. पहले आज का डेट हम कर देते हैं. कितना इसमें क्या हुआ फॉर्म में? पहले मंथ है 04-04. आज हम कर देते हैं 21st. चेंज नहीं है डेट कमांड के लिए. ठीक है, तो डेट कमांड यहाँ पे जो भी एक स्विच था स्लैश डी देन कोलोन देन जो जिस डेट का भी हमें फाइल अगर कॉपी करना है, मान लीजिए कि इस डेट का हमने फाइल यहाँ पर था तभी कॉपी कर लिया. अगर मान लीजिए कि हम 21st डेट डालते हैं, अगर ये फाइल यहाँ पे कोई होगा तो ये दिखाएगा, अगर नहीं होगा तो नहीं दिखाएगा. ठीक है, ट्यूजडे को कितना तारीख था? 20 था ना, उस डेट में हमने फाइल यहाँ पे क्रिएट किया था मे बी. तो हम चेक करके देखते हैं.
अगर फाइल क्रिएटेड होगा तो ये कॉपी करेगा, और अगर नहीं होगा क्रिएटेड तो कॉपी नहीं करेगा। करता तो लोगों ने इसका तो स्क्रीनशॉट ही नहीं लिया होगा ना। अब आज हम एक बार हम लोग फिर से रिवाइज इसको कर लेते हैं। हम लोग कौन कौन सा कमांड डाल देखे, पहले हम लोग देखे टाइप कमांड, टाइप कमांड xyz.txt, टाइप कमांड, ओके। उसके बाद एडिट कमांड, एडिट स्पेस xyz.txt, इंटर। ये हमने देखा है, इसको हमने एडिट करके यहाँ से सेव करके एग्जिट कर दिया। उसके बाद हमारा था क्या, एक्स कॉपी कमांड, एक्स कॉपी स्पेस एमजीएम स्पेस एमजीएम 4 स्पेस स्लैश ई स्पेस स्लैश एस, इंटर। उसके बाद हमने देखा, जब पूरा का पूरा ड्राइव हमें कॉपी करना है, कॉपी स्पेस, पहले हम लोग क्या देंगे, सोर्स देंगे। सोर्स क्या था हमारा, डी स्पेस एंड डेस्टिनेशन स्लैश ई स्पेस स्लैश एस, इंटर। यस,